आज के इस वीडियो में जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 30 अप्रैल 2022 में आए हुए प्रश्न पर अभ्यास करेंगे। इसमें जो जिस पर अभ्यास करना है, बिना दिशा परिवर्तन के चित्र को एडजस्ट करना और पैटर्न को पूरा करना है। यहाँ निर्देश दिया गया है, प्रश्नों में बाई ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है जिसका एक भाग लुप्त दर्शाया गया है। लुप्त माने वो दिखाई नहीं पड़ रहा है। यहाँ देखें, ये तीन भाग है, इसका एक भाग लुप्त है जो यहाँ नहीं एडजस्ट। दाईं ओर दिए गए उत्तर ए बी सी और डी पर गौर करें। यह उत्तर दिया गया है ए बी सी डी, जिस पर आपको ध्यान देना है, और उत्तर चित्र का पता लगाएं जिसको बिना दिशा परिवर्तन की, इसका बिना दिशा परिवर्तन की ऐसे लाइए और यहाँ बैठ जाए कि पैटर्न को पूरा करने के लिए प्रश्न चित्र को लुप्त भाग में बिठाया जा सके। जहाँ खाली है वहां इसको एडजस्ट किया जा सके। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए ओ एम आर उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। यहाँ देखें, ये प्रश्न चित्र है या उत्तर चित्र। यह पहला प्रश्न देखें, ये ऐसी रेखाएं खींची हैं, तीन रेखाएं खींची हैं, ये बड़ी और छोटी, एक बीच में बड़ी है, किनारे किनारे छोटी, और इसे क्रॉस किया गया है। तो ऐसे ही लाना है, यहाँ बैठाना है, तीन रेखाएं ऐसे हो, ये विकर्ण मिलाती हुई और एक ऊपर बड़ी, ऊपर उससे छोटी, नीचे उससे छोटी, और आप देखें यह कार्नर से कार्नर मिला रही है, यह आधे पर, और ये अगर इसको ऐसे लाएं यहाँ, ये बिल्कुल सेट हो जाएगा। यहाँ देखें, ये ऐसे ऐसे बना है, ये ऐसे ऐसे बना है जो कि इसमें सेट नहीं होगा। यह देखें एक तरफ है, यह भी नहीं सेट होगा, यह भी नहीं, इसका उत्तर ए है। दूसरा प्रश्न देखें, यहाँ देखें, एक पहले ऐसे आकृति दी गई है और फिर एक पाइप विकर्ण मिलाते हुए, फिर उसके बीच शून्य है। तो आप देखें, एक हमें ऐसे खींचना है, फिर शून्य लगाना है, तब जाकर विकर्ण और तब एक छोटी पाई जिसको मिलाएगी। तो शून्य एक पाई के बाद, पहले यहां देखें, शून्य एक पाई के बाद, शून्य बाहर है इसलिए नहीं होगा, शून्य यहां भी बाहर है इसलिए नहीं होगा, शून्य एक पाई के बाद है, देखिए एक पाई खींचा गया तब यहाँ है, लेकिन इसकी दिशा ऐसे है, देखे आप, ऐसे होना चाहिए, यह तो नहीं बैठ रहा है। यहां देखें, शून्य एक पाई के बाद है, दिशा ठीक है, इसका उत्तर बी होगा। प्रश्न तीसरा, यहाँ आकृति को आप देखें, तो आकृति में सबसे किनारे पहले वृत्त को पूरा करें, तो दो वृत्त, इसको पूरा करने के लिए दो सर्किल, ये पूरा होगा, तो सबसे पहले इस कॉर्नर पर दो दो रेखाएं होनी चाहिए बिल्कुल अंदर वाली। यहाँ देखें, एक है इसलिए यह नहीं है, यहाँ दो है हो सकता है, लेकिन यहाँ दो है ये बाहर की है इसलिए नहीं है, यहाँ तो एक ही है इसलिए यह भी नहीं है, तो इसका उत्तर बी होगा। इस भाग में देखें, चौथे प्रश्न में, यह पहले जो भी आयत बना है, पहले आयत को काले रंग से पूरा करेंगे, फिर बाहर की तरफ दो रेखाओं से, और जिसे ऐसे ऐसे क्रॉस किया गया है। यहां देखें, इसको अगर ऐसे लाएं, यहां रख देंगे, यह तो पूरा हो जाएगा, इन रेखाओं से यह भी पूरा हो जाएगा, यह इसका उत्तर सही लिख पड़ रहा है। यहां देखें, यह सेट नहीं होगा, यह बाहर की तरफ काला हो गया। यहां देखें, यह इधर है, और यह देखें, यहां दो दो बार रेखाएं खींची हुई हैं, अतः इसका उत्तर ए है,